हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मिस मृणाली डोंगरे, प्रोफेसर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, NIT पॉलिटेक्निक कॉलेज, नागपुर. इन टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू डिलीवर लेक्चर ऑन प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन फेज. नाउ दीज आर दी सेशन आउटकम्स. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, स्टूडेंट विल एबल टू explain the silent characteristics for the given building structure, classify the given building on the basis of the given occupancy, types of construction. In last video lecture, we learned about function of building component. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि बिल्डिंग कंपोनेंट्स के कौन से फंक्शन हैं. फॉर एग्जांपल, रूफ का फंक्शन क्या है, देन लिंटल, डेफिनेशन ऑफ लिंटल एंड व्हाट आर दी फंक्शन ऑफ लिंटल, सील, डोर्स एंड विंडोज, पैराफिट वॉल हम क्यों प्रोवाइड करते हैं टेरेसेस और बालकनीज में, स्टेयरकेस के बारे में हमने पढ़ा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन फेज. द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर विच कम्स अंडर सिस्मिक और अर्थक्वेक जोन आर रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट द अर्थक्वेक और सिस्मिक फोर्सेस. जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, अर्थक्वेक का मतलब भूकंप होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी स्ट्रक्चर अर्थक्वेक जोन के अंडर में आता है, तब उस बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग करते वक्त कौन कौन सी प्लानिंग करनी पड़ती है, कौन कौन से कंस्ट्रक्शन फेज यूज़ करने पड़ते हैं, वो हम आज के वीडियो में देखेंगे. These are some design principles generally considered while constructing the structure in earthquake zone. अब हम आगे देखेंगे कि कौन से design principle का use करके हम construction कर सकते हैं और earthquake से बच सकते हैं. You have to see the earthquake occur in this building. This is a high magnitude earthquake and इसमें क्या होगा कि vertical forces exert होते हैं, जिसके वजह से building पूरी तरीके से collapse होती है, जैसे कि आप इस image में देख रहे हो. अब हम देखेंगे कि ये अर्थक्विक से बचने के लिए और बिल्डिंग सडन कोलैप्स ना हो, इसलिए किस तरीके का कंस्ट्रक्शन फेजेस को हम अपनाएंगे और कंसिडर करेंगे और उस हिसाब से ही डिज़ाइनिंग करेंगे. जनरल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स ऑफ अर्थक्विक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर. अब हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल कौन से हैं अर्थक्विक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स के लिए. फर्स्ट, शेप ऑफ स्ट्रक्चर. शेप ऑफ स्ट्रक्चर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल रेजिस्टिंग द अर्थक्विक फोर्सेस. अगर हमें अर्थक्विक फोर्सेस को रेजिस्ट करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, वो है शेप ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर का शेप किस तरीके से है, मीन्स हमारी जो बिल्डिंग है वो किस शेप की होनी चाहिए. द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग शुड नॉट एग्जिट. जो बिल्डिंग की लेंथ है वो एग्जिट नहीं होनी चाहिए 3 times इट विड्थ, उसके विड्थ. नेक्स्ट इज, डिज़ाइन शुड बी डन such that center of gravity of structure should coincide center of rigidity. जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट स्लाइड में बताया
अर्थक्वेक की इमेज, उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक उसमें ऑकर हुआ है और जिसके वजह से वर्टिकल फोर्सेस जो है वो बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा एक्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से बिल्डिंग जो है एकदम सेंटर से कोलैप्स हो गई है। इसीलिए ये सब अगर प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करके अगर किसी स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग करते हैं तो किसी भी स्ट्रक्चर को अर्थक्वेक से सडन कोलैप्स होने से बचाया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। स्ट्रक्चर की डिज़ाइन किस तरीके से करनी चाहिए? स्ट्रक्चरल डिज़ाइन शुड बी प्रॉपरली डन टू सस्टेन ऑल फोर्सेस। स्ट्रक्चर की डिज़ाइन इस तरीके से करनी चाहिए ताकि वो सस्टेन कर सके पूरे के पूरे फोर्सेस को। फॉर एग्जांपल उसमें सिस्मिक फोर्स भी आ गया, अर्थक्वेक भी आ गया, उसके बाद स्नो लोड, विंड लोड, ये सभी जो फोर्सेस ऑकर होते हैं बिल्डिंग पे वो पूरी तरीके से उसको क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके। इसीलिए स्ट्रक्चरल डिज़ाइन शुड बी प्रॉपरली डन टू सस्टेन ऑल फोर्सेस कमिंग एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। नाउ नेक्स्ट इज द फाउंडेशन विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लाइक अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर, वी कैन से दैट लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर, कंपोजिट स्ट्रक्चर, एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, फाउंडेशन प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस। First point, the structure should not rest on loose soil which will easily settle at the time of earthquake. अगर foundation design करना है earthquake resistant structure के लिए तो foundation loose soil पे नहीं बनाना पड़ेगा, because अगर loose soil पे foundation को बनाया गया, construct किया गया, तो वो easily settle हो जाता है at the टाइम ऑफ अर्थक्वेक के समय। प्रॉपर असेसमेंट ऑफ सॉइल, पर्टिकुलर अगर अर्थक्वेक या फिर सिस्मिक जोन है तो वहाँ पर हमें फाउंडेशन बनाना है, तो वहाँ की सॉइल को प्रॉपर असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फाउंडेशन शुड बी टेकन एंड स्टडीड सो दैट फाउंडेशन शुड नॉट सेटल एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। अगर वहाँ की सॉइल का प्रॉपर असेसमेंट किया जाए तो फाउंडेशन इजीली सेटल नहीं होता है एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। सच टेस्टिंग शुड बी डन व्हाइल प्लानिंग स्टेज, बट सॉइल की टेस्टिंग कब की जाएगी? जब हम प्लानिंग कर रहे हैं कि वहाँ पर्टिकुलर एरिया में अब कोई स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना है, उस समय ही वहाँ की सॉइल का टेस्टिंग किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जियोटेक लैब में लैब्स रहते हैं जहाँ पर सॉइल की टेस्टिंग होती है, एंड देन उसके बाद ही प्रॉपर डिज़ाइनिंग की जाएगी किसी भी स्ट्रक्चर की। डिज़ाइन डन अकॉर्डिंगली। यू ऑल हैव टू सी द पिक्चर ऑफ शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। ये जितने भी फाउंडेशन हैं ये यूज़ किया जाता है, जैसे कि शैलो फाउंडेशन नॉर्मली लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में और डीप फाउंडेशन फ्रेम स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। दिस इज़ द शैलो फाउंडेशन एंड दिस इमेज इज़ डीप फाउंडेशन। नाउ नेक्स्ट इज़ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। As the effect of earthquake is directly proportional to mass of the structure. अब जो इफेक्ट होता है अर्थक्वेक का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, स्ट्रक्चर मास ऑफ द स्ट्रक्चर के। लाइट वेट स्ट्रक्चर आर प्रीफर टू रेजिस्ट द सिस्मिक फोर्स। ऐसा बोला गया है कि बिल्डिंग के डिज़ाइनिंग के वक्त अगर लाइट वेट का कोई भी स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन करते हैं तो लाइट वेट स्ट्रक्चर जो है वो ईजीली रेजिस्ट कर लेता है सिस्मिक फोर्सेस को। द बिल्डिंग शुड बी एज लाइट एज पॉसिबल। और अगर डिज़ाइन हो रही है बिल्डिंग की तो बिल्डिंग की का जो वेट है वो लाइट एज पॉसिबल रखना चाहिए।
नाउ नेक्स्ट इज सीलिंग, वी डिस्कस अबाउट द सीलिंग. अब अर्थक्विक जोन में अगर बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तो सीलिंग की कंडीशंस क्या है, सीलिंग किस तरीके से वहाँ पर कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए. द सस्पेंडेड सीलिंग शुड बी अवॉइडेड, सस्पेंडेड सीलिंग को अवॉइड किया जाता है. एंड द थिकनेस ऑफ सीलिंग प्लास्टर, अब यहाँ पर प्लास्टरिंग की बात हो रही है जो कि आप सभी को पता है कि व्हाट इज मीन बाय प्लास्टर. द थिकनेस ऑफ सीलिंग शुड प्लास्टर शुड नॉट एग्जिट 6 mm, 6 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्लास्टरिंग फॉर रेनफोर्स कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन के लिए. अब यहाँ पर बोला है कि रेनफोर्स कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन के लिए सीलिंग शुड नॉट बी एग्जिट 6 mm. यू हैव टू सी दी प्लास्टरिंग इमेज, दिस इज फॉर एग्जाम्पल इन दिस लाइट द सीलिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर शुड नॉट एग्जिट 6 mm. अर्थक्विक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, वी विल डिस्कस अबाउट अर्थक्विक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर. दिस इज द इमेज ऑफ अर्थक्विक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर. अब कोई भी स्ट्रक्चर है अगर वो अर्थक्विक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है तो उसमें क्या एबिलिटी होना चाहिए. फर्स्ट उसमें सिस्मिक रेजिस्टेंस पावर होना चाहिए और वो वाइब्रेशन भी कंट्रोल करेगा और बेस आइसोलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्मिक रेजिस्टेंस उसमें पावर होना चाहिए, देन वाइब्रेशन कंट्रोल और बेस आइसोलेशन. अब ये बेस आइसोलेशन क्या है, मीन्स अगर अर्थक्विक आता भी है तो वो जो स्ट्रक्चर है वो हॉरिजेंटली मूव होगा और कुछ समय बाद कोलैप्स होगा, बट वो सडन कोलैप्स नहीं होगा. नेक्स्ट इज अ क्विक प्रूफ हाउसेस. अब ये क्विक प्रूफ हाउसेस जो है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं, इसीलिए इंजीनियर्स ये बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना प्रिफर नहीं किया जाता. जैसे कि इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल क्विक प्रूफ हाउसेस में हॉलो कॉन्क्रीट ब्रिक्स डिज़ाइन की जाती है टू कॉज मिनिमल डैमेज इफ़ दे फॉल इन अनादर अर्थक्विक्स. रूफ मेड, इसमें जो रूफ़ है वो RCC रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट से बने होते हैं और फाउंडेशंस मेड ऑफ स्टोन, फाउंडेशन स्टोन से बनाया जाता है लार्जली फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डिस्ट्रॉय हाउसेस. रेनफोर्स स्टील कॉर्नर पिलर्स रहते हैं वहाँ पे प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी. अर्थक्विक रेजिस्टेंट बिल्डिंग, अब ये अर्थक्विक रेजिस्टिंग बिल्डिंग कौन सी है, यू हैव टू सी द इमेज. जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हो, अगर इन केस अर्थक्विक किसी बिल्डिंग पे आता है बट अब वो अर्थक्विक रेजिस्टिंग बिल्डिंग है तो वो क्या होगा, अर्थक्विक एट द टाइम ऑफ अर्थक्विक हॉरिजेंटली मूव होती है. जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हो बिल्डिंग जो है वो सडन कोलैप्स नहीं होती, बट इस बिल्डिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. दैट्स वाई ये बिल्डिंग्स हर जगह प्रिफरेबल नहीं रहती, उसे ही बोलते हैं क्विक प्रूफ हाउसेस, जैसे कि हमने लास्ट इमेज में देखा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ दिस सेशन. व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस सेशन, प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन फेजेस. जनरल डिज़ाइन देखा हमने, प्रिंसिपल्स ऑफ अर्थक्विक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, शेप ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, फाउंडेशन, वेट ऑफ स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड करता है, सीलिंग कैसी होनी चाहिए. दीज आर दी क्वेश्चंस विच इज आस्क इन MSBT एग्जामिनेशन. फर्स्ट राइट जनरल रूल फॉर अर्थक्विक रेजिस्टेंट बिल्डिंग. सेकेंड राइट वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग. नेक्स्ट राइट जनरल प्रिंसिपल ऑफ अर्थक्विक. इन
नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फ्रेम स्ट्रक्चर एंड लोड बियरिंग स्ट्रक्चर एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर. थैंक यू.